आमिर खान बिल्कुल यकीन हमारे पास हैं आमिर ख़ान को इसलिए उनको साथ लिया है कि उनसे वो उनला देंगे हमें बताएँगे कि ये लोग जो उनके पास मौजूद थे क्योंकि ये जो जो जिन क्रिमिनल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये आमिर खान साहब के साथ ही थे तो आमिर खान साहब बताएंगे कि ये लोग उनकी बना में क्यों थे और क्यों उनको यहाँ रेफ्यूज दिया जाता है तो इसलिए आमिर खान साहब फ़िलहाल हमारे पास हैं हिरासत में नहीं है लेकिन उनको यकीन पूछ लिए अपने पास रखा गया किसको इजाज़त मिलनी चाहिए कि आप अपने पास असला भी रखें आपके पास बड़े बड़े मुजरिम जिन्होंने जो कातिल है उनको भी आपको पना दी हो इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था ये एक्शन बड़ा डिले किया है और ये इस, इसे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एम क्यू एम अलताफ हुसैन से आजाद हो जाएगी खाब है इमरान खान साहब का किसी तरह कराची की सियासत में वो अपना रास्ता बनाए और एम क्यू एम की लाश पर अपने महल तामीर करें। अस्सलाम वालेकुम कराची ऑपरेशन एम क्यू एम का मुतालबा था और ये भी कहते थे कि फौज आ जाए या सिविल हुकूमत जो है ये काम नहीं कर सकती और मुझे याद पड़ता है कि बड़ा जोर देकर यहाँ पर वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि इंपॉर्टेंट हैं ये सारे सिविलियन लीडर्स जो हैं फौज को आना चाहिए रेंजर्स को एम्पावर किया गया और जो लास्ट एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी वसीम अख्तर साहब के यही पे यही यहीफाजे जो प्रोग्राम में यहाँ लाइव बोले थे उससे दो रोज़ या तीन रोज़ बाद एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी फ़ौजी अफसरान ने वही अल्फाज कायम अली शाह साहब की हुकूमत के लिए इस्तेमाल किए थे लेकिन जब कार्रवाई हुई तो एम क्यू एम के नाइन जीरो के ऊपर छापा मारा गया और छापे का कहानी बड़ी मज़े की है मज़े की इसलिए वैसे तो अफसोसनाक है एक यंग लड़के की उसमें डेथ हुई है वकास की और जिसकी गोली किस किसकी गोली से डेथ हुई उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि किसी भी छापे में किसी भी मासूम शख्स की जान नहीं जानी चाहिए लेकिन किसी क्रिमिनल को बचना भी नहीं चाहिए रेंजर्स का दावा यह है कि हमने वहाँ से ऐसे लोग पकड़े हैं जिसमें वली खान बाबर का कातिल भी शामिल है और बाकी ऐसे लोग हैं जिसमें एक शख्स वो है जिसको तेरह साल की सजा कन्विक्ट है convicted. और इसको गैर मौजूदगी में सज़ा हुई थी वली खान बाबर वाला जो केस है इसके ऊपर जे की रिपोर्ट जितने गवाहान थे उनके बयानत और सारे की रोशनी में यही शख्स फैसल मोटा बताया जाता था कि इसने वली खान बाबर को मारा आमिर ख़ान साहब को भी साथ पकड़ा गया और आज ई ए के तहत अदालत में जब पेशी हुई तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो ये मामला किस समत में जाने वाले हैं ये बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात करनी मैं दोबारा दोहराऊंगा कि किसी भी ऐसे शख्स को उसका तल्लक़ एम के एम से हो जितना भी करीब हो एम के एम के लीडरान से जितना भी करीब हो आसिफ़रदारी साहब से जितना भी करीब हुए एम पी वालों से जितना भी करीब हो पी टी आई वालों से किसी ऐसे शख्स को बचना नहीं चाहिए जो किसी किलिंग में किसी मर्डर में किसी जराए में मुलव है लेकिन साथ किसी इनोसेंट शख्स जो है उसको इन वाक़ की नज़र भी नहीं होना चाहिए कराची को अमन रिस्टोर करने का एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि ट्रांसपेरेंटली ऑपरेशन किया जाए किसी शख्स को बख्शा ना जाए जो जुराम में मुलवस् है लेकिन किसी पुलटिकल पार्टी को जानबूझ के निशाना भी ना बनाया जाए अब इस बात का जाँचना आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से पूछें कि कितना ट्रांसपेरेंटली ये काम आगे बढ़ रहा है क्या उसमें कोई बाइसड है कि एम क्यू एम को निशाना बनाना या किसी और जमात को बनाना या ये एक वाकत की कड़ी है ऑपरेशन हो रहे थे उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा ये भी था कि नाइन जीरो के ऊपर भी छापा मारा गया इस्लाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ गुफ्तु होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नदीमा अफजल चंद साहब चंद साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें अवानी नेशनल पार्टी से शाही सही साहब वेरी वॉम वेलकम जी और कराची स्टूडियो से है एम के एम से फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ फैसल सब्जवारी साहब आपको भी खुश आमजीद कहता हूँ आप ही से स्टार्ट करते हैं यह फरमाएगा कि छापा मारा जाना और वहाँ से लड़कों का गिरफ़्तार होना मैं एक सवाल का, का कल से मुतलाशी हूँ कि जो लोग वहाँ से गिरफ़्तार हुए क्या वो लोग वहाँ मौजूद थे आप लोग इसकी तस्दीक करते हैं बहुत शुक्रिया नदीम भाई देखिए रेंजर्स की कल वाली भी जो गुफ्तु थी और आज जो उनकी प्रेस रिलीज़ है वो ख़ुद ये बताती है कि वो कहते हैं कि नाइन जीरो और उसके अतराफ़ में उसके गिरदो नवाह में आपने और आप बहुत सारे दोस्त वहाँ पर आ चुके हैं उन सब ने देखा है कि जिस इलाके के सर्च एंड सीज ऑपरेशन हुआ ये मुक्का चौक से शुरू था और तकरीबन ये जना ग्राउंड मैं थोड़ा सा फैसल साहब आपको इंटरप्ट कर लूँ मेरे ख्याल यहाँ स्टूडियो में आवाज़ स्पीकर से मुझे दे दें मेरे मेहमानों को आवाज़ नहीं जा रही यहाँ पर स्टूडियो से आवाज़ दे दें जी आ, कंटिन्यू करिएगा फैसल साहब आप जी आ, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जहाँ जिस इलाक़े में सर्च एंड सीज ऑपरेशन हुआ है वो मुक्का चौक से तकरीबन जिना ग्राउंड तक का एक तरफ और दूसरी तरफ वो मुतद जो गलियाँ हैं एक सौ बीस गज के मकान हैं तो जो गलियाँ हैं एक एक गली में दर्जनों मकान हैं और सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ पर होते हैं एक सौ छः से ज़्यादा तो बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार किए गए और कई सौ यकीन वहाँ मजीद भी होंगे कई सौ कई हज़ार लोग क्यूम बहुत क्लियर है आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे नहीं जी मुझे नहीं है, कि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे हाँ ये ज़रूर है कि रेंजर्स कह रही है कि उसने वहाँ से गिरफ्तार किए हैं एम क्यूम की पॉलिसी क्या है एम क्यूम की पॉलिसी अगर अलताफ़ भाई ने बहुत वाजे तौर पर बयान कर दी कि जनाब एम क्यूम की सफ़ों में छोड़िए अलताफ़ भाई के घर पर नाइन जीरो पर भी अगर कोई मुजरमाना सिफत का कोई शख्स मौजूद है या कि किसी ने किसी जुर्म का अरतक किया और वो वहाँ पर मौजूद है तो आप बिल्कुल जो भी कानून के तकाज़े हैं उसके तहत उसको गिरफ़्तार कीजिए हमने ना कल वाले किसी छापे में मजाहमत की और ना कोई रुकावट डाली बल्कि रेंजर्स के तर्जमान ने खुद ये कहा था कि जिन्हें एम क्यू एम ने ताउन किया है और जब से ये कराची में टारगेटेड एक्शन शुरू हुआ है एम क्यू एम के ला तदादाद दफातर हमारे सैकड़ों कारकुनान के मकान और उनकी दुकानों उनके दफातर पर छापे मारे गए कई हजार छापे मारे गए जो जो बाद में लेकिन मुझे लगा कि कभी आप एक तरफ प्रोटेस्ट करते भी नजर आ रहे हैं कभी कह रहे हैं कि ये सही है कभी कह रहे नहीं सही है अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट बड़ी एक इंडिकेटिव थी उन्होंने कहा कि इन लोगों को अगर पनाह लेनी थी तो कहीं और जाते पूरी जमात को क्यों इन्होंने फंसवा दिया वहां आके ये बड़ा मानी खैज बयान था कि वहां क्यों आए ये कहीं और चले जाते नहीं तो इसका जिसनारा? मतलब ये था कि इन डायरेक्टली वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है ये, ये लाइन आपको एज ए पार्ट, पार्टी अपनानी चाहिए थी नहीं हम एज ए पार्टी ही इस लाइन को अपनाते हैं नदीम भाई कि किसी भी क्रिमिनल का या क्रिमिनल नेचर के किसी भी फ़र्द का एम क्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है पहली बात दूसरी बात अलताफ़ भाई ने तो उसी रेंजर्स का जो बयान है उस पे रिस्पांस दिया है और रिएक्ट किया है कि अगर ये लोग मौजूद भी थे तो ये, यकीनन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था बिल्कुल हम बहुत क्लियर हैं और कैटेगोरिक हैं लेकिन साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि उस छापे में अलताफ़ भाई का घर नाइन ज़ीरो वहाँ अब कोई नहीं रहता क्योंकि वो अलताफ़ भाई की रिहाइश गाह है और अलताफ़ भाई पाकिस्तान में नहीं है वो सेरेमोनियली यूज़ होता है सियासी और सफारती मुलाकातों के लिए वो इस्तेमाल होता है वो या हम कोई मीडिया ब्रीफिंग ब्रीफिंग वगैरह कोई बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वहाँ पर करते हैं इसी तरीके से उसी गली से मुलक़ा अलताफ़ भाई की जो अड़सठ साल बहन है सायरा उनका घर भी है ना सिर्फ ये कि उनके घर पे छापा मारा गया बल्कि जिस तरह की ज़बान उनके साथ इस्तेमाल की गई मैं समझता हूँ कि किसी की भी माँ के साथ किसी भी बुजुर्ग खातून तो के साथ जेब नहीं देती वो बीमार हैं हार्ट की पेशेंट हैं डायबिटिक हैं अल्लाह न करे मेरे मुँह में खाक उनको कोई तबियत खराब हो जाती तो मज़े मज़ीद मामला एग्रवेट कर सकते थे अलताफ़ाई के घर पर क्योंकि अच्छा। मैं यहाँ इस्लाबाद स्टूडियो से भी यहाँ मेहमानों से इस पर रिएक्शन ले लूँ शाहिए सब पहले आप बताइए आप भी कराची की सियासत करते छापा लोगों का पकड़े जाना और रेंजर्स की कार्रवाई पहले तो रेंजर्स की कार्रवाईों के ऊपर मुझे एक तबसरा चाहिए क्या ये इवन हैंडेड ट्रांसपेरेंट है देखो गलतियां कोताहियां कमी बेशी तो हर जगह हर इदारे में है मगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अगर हंड्रेड परसेंट बोले तो नहीं होगा लेकिन मुझे ये पता है मैं तीन चार सवाल कंटिन्यू करता हूँ नंबर वन आया कराची में पिछले पाँच दस आठ साल से या दो चार साल से टारगेट किलिंग हो रही है आपका जवाब है हाँ क्या कराची उर्दू बोलने वाला का सबसे बड़ा शहर है क्या कराची के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये तीन चार बातें नहीं बताई उसने मिलिटेंट मिलिट्रीम सियासी पार्टियों में है इन सारी बातों के बावजूद क्या कराची का ऑपरेशन मैंने खुद मांगा था मेरे साथ अलताभ भाई ने ख़ुद फौजी ऑपरेशन मांगा था क्या नवाज शरीफ ने आकर के उस बात को आगे बढ़ाते हुए सारे पार्टियों के कंसेंस से ये बात तय नहीं हुआ कि ऑपरेशन होना चाहिए और करना है उसका हल दूसरा नहीं है जब ये शादी बात हुई तो ऑपरेशन शुरू हुआ अब ऑपरेशन शुरू हुआ इस ऑपरेशन में लयारी में पांच से छह सौ लोग शहीद हुए सबसे ज्यादा नुकसान बलोचों का हुआ लहारी का हुआ उसके बाद मेरी डिमांड के ऊपर हमारे इलाकों में अगर गए हमारी दफ्तरें बंद की हमारे झंडे ऑपरेशन ठीक हो रहा है अब ऑपरेशन हंड्रेड परसेंट ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है बिल्कुल हो रहा है आपकी जमात को इतना है कल ये ना हो कि आप मुझे सड़क पर खड़े नजर आए इसलिए जवाब चाहता हूँ आप मुतमिन है मैं इसलिए मुतमिन दूसरा कोई हल है क्या रोजाना जो लाशें उठ गिर रही है मैं इसको क्या नाम दूँ अच्छा एक मिनट थोड़ा मुझे टाइम मौजूद पुलिस की मोराल तबाह हो गई है पुलिस लोग पुलिस शहीद हो रहे हैं एन पी सी दा पुलिस के लोग शहीद हुए मेरे दफ्तर बंद किए मेरे झंडे उतारे गए और वहाँ पे बाकायदा दहशत के नाम से क्राइम कंट्रोल के ऑफिस खुले हुए थे वहाँ पे हमारे इलाकों में भी ऑपरेशन आपापुर में हुआ कुआरी में हुआ सोरापुर में रोजाना चार छह लाशें गिराते हैं

ओन भी किया है सपोर्ट भी किया है और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ है लियारी लियारी में जब ऑपरेशन होता है तो इट्स मीन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन होता है क्योंकि तो लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है और जब सिंध हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और उसके एक गढ़ के अंदर ऑपरेशन हो रहा है मेरे जो जो इन्वाल्व हैं जो लोग ठीक है कुछ गलत भी हो रहा है कुछ सही भी हो रहा है जब ऑपरेशन होता है तो हंड्रेड परसेंट सही भी नहीं ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता हमारे मुल्क में फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वाल्व हो जाती है आखिर वो भी तो हमारे जैसे ही ना जो ऑपरेशन करने वाले हैं आप उनको थोड़ा सा ग्रे एरिया दें लेकिन अब ये सूरत हाल दिया है कि ये जो हुआ ऑपरेशन इसकी टाइमिंग्स क्वेश्चन है क्यों कल वो टाइमिंग इसनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है अगर ये थे तो फिर पहले भी थे कि कल ही ये बैठे थे उधर मेरी नज़र में एज ए पोलिटिकल वर्कर कल सारी की इकट्ठी हुई है एक कंसेंसस डेवलप हुई और एक एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे दावा बोल दिया गया अगर दो दिन पहले भी हो सकता था चार दो दिन बाद भी हो सकता तो आपका ख्याल है कि रेंजर्स ने तो फिर अगर बंदे पे किए फिर ट्रायल होगा तो फिर चीजें सामने आएंगी फिर तो फिर ट्रायल होगा तो फिर किसी को इंतराज नहीं होगा इंदराज होगा सुबह में ये सारा प्रोसेस आपका देखे

एक पीपल्स पार्टी का वो वो गार्ड समझा जाता है लियारी जब बलोचों में होता है जब किसी ग्रुप आपको ऑपरेशन पे इतमान है या नहीं है देखें डिमांड है और इस मुल्क में अमन होना चाहिए और आप ये आखिरी हाल है आप इसका मतलब है कि मुतमिन है मैं नहीं? मैं समझता तो हूँ ऑपरेशन होना चाहिए ऑपरेशन तो, तो कोई दूसरी राय जब... लेकिन फेयर अदल के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये, ये ये नहीं है नहीं तो ट्रांसपेरेंट ना हो तो ये एक और एक और, एक और और समझे खराबी पैदा की जा रही है सब जवारी साहब एक चीज़ फरमाई गए रेंजर्स ऑपरेशन करें तो रेंजर्स इस वक्त अठारहवीं तरमीम के बाद ये सुबाई मामला है ये है तो वो फौजी लोग लेकिन रेंजर्स में जब वो चले जाते हैं तो रेंजर्स एक एकदा से फोर्स है अब इसका सवाल मुझे किससे पूछना चाहिए चौधरी निसार से आर्मी चीफ से या सुबाई हुकूमत से नहीं मेरे ख्याल में अगर मैं घुमाऊँ कागजी बातें करूँ तो वो शायद ये हो जाएगा कि सूबाई हुकूमत से पूछ लें या विफाक हुकूमत से पूछ लें बाकी फैक्ट ऑफ द मैटर जो है वो मुझे भी पता है आपको भी पता है लेकिन मैं इसके आपके सवाल के देखे देखे साथ देखे साथ जो एक तासर है तो मैं उसे जरूर जायल करना चाहूँगा कि देखिए एम क्यू एम समझती है कि कराची शहर के अमन की सबसे बड़ी बेनिफिशरी और सबसे ज़्यादा मनफियत और फ़ायदा अगर किसी को होगा तो वो एम क्यू एम को ही होगा और इसीलिए हमने ही यहाँ कहा कि जनाब मुजरमों की सरकोबी के लिए आप टारगेटेड एक्शन करें आज भी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं उठकर आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ हमने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ दो चीज़ें बयान की हैं पहली बात ये कि इन सवालों जवाबों का शिकवों का शिकायतों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान का मकसद ये नहीं है जिसको बाज़ लोग चस्के के लिए या बाज़ लोग सियासी गिद्ध बनकर इसको एम क्यू एम रेंजर्स या रेंजर्स वर्सिज़ एम क्यू एम बनाना चाह रहे हैं इस तरह कतन नहीं है हमारी दानस में और हमारी नज़र और मुजरिमों की सरकोबी के लिए पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज़ करने वाले इदारे या हसास इदारे जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम ये समझते हैं कि उनको बिल्कुल जारी सारी रहना चाहिए लेकिन जहाँ उसमें एहतियात का दामन अगर हाथ से छूटा दोबारा दोहरा लूँ या, या सवाल दोबारा दोहरा लूँ आपसे आप कह रहे हैं कि ये रेंजर्स वर्सेज एम क्यू एम सीन नहीं है एम क्यू एम को निशाना नहीं बनाया जा रहा मैं आपकी जबानी ये दोबारा सुनना चाहता नहीं हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि एम क्यू एम रेंजर्स की हवाले से कुछ सवालत इस नीयत के साथ उठा रही हो कि हम चाहते हो कि ऑपरेशन ना हो रेंजर्स गलत है नहीं ऐसा नहीं है हाँ जहाँ हमें अगर शिकायत उठती है तो हम वो शिकायत की तो निशानदेही करेंगे हमने किससे निशानदेही की, की और किससे कल कल भी हमने डीजी जी रेंजर्स से तो ही कहा ना, कल भी हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा प्राइम मिनिस्टर सी से कहा इन चारों अब से कहा कि खुदा हमें इंसाफ दें अच्छा मैं फैसल साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको डॉक्टर आरफ अलवी साहब हमारे साथ है पीटीआई से उनसे भी बात कर लेवी साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑपरेशन कैसे आपका तजिया ठीक हो रहा है या इसको इसलाह के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है क्या करने का करना चाहिए कराची में दे, देखिए बेहतरी तो हो तो हो ही सकती है मगर हुँ. ये कि सारी जमातें बहुत अरसे से कह रही थी कि कराची के अंदर कत्लो वारत गरी के एतबार से ऑपरेशन जरूरी है कोई जमात सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने नहीं कहा हो कि ऑपरेशन होना चाहिए जब सबका कहना ये भी था कि बिल्कुल इसमें सियासी रंग ना हो बिल्कुल बेस्ट हो ये भी सब ने कहा अच्छा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स हैं और कराची का हर शहरी जानता है कि सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स ने भत्तखोरी भी की है लोगों को मारा भी है टारगेट किलिंग भी की है चाइना कटिंग भी की है अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद भी अपनी कई एक तकारीर के अंदर ये बात कही कि जनाब हमारी पार्टी के अंदर भत्तखोर है उनको मैं पसंद नहीं करता हूँ और हमारी पार्टी के अंदर चैनल कटिंग हुई है मगर इस अरसे के अंदर कोई आदमी कोई पब्लिकली पता नहीं चला कि कोई किसी आदमी को दूर किया गया हो इन जराइम की वजह से मैं ये समझता हूँ कि दो चीजें बड़ी अहम है जो मुझे, मुझे मुतासर करती हैं और कराची के हर शहरी को मुतासर करती हैं वो ये कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल कहीं छुपा हुआ था और किसी पार्टी के दफ्तर में छुपा हुआ था तो इस बात का इमकान नहीं है कि इतने अरसे से वो गायब है तो इसके अंदर दानिस्टा पार्टी के कुछ लोगों का हाथ ना हो या बड़े लोगों का हाथ ना हो के के सिलसिले में एमसीएम ने यह कहा कि जनाब सारा असलाह लाइसेंस था मुझे अब तक ये बात पता नहीं चली कि वो असलाह मैंने कुछ तो पढ़ा है असलाह ऐसा है जो लाइसेंस नहीं भी हो सकता उसकी एमसीएम के दफ्तर के अंदर मौजूदगी ये मेरे दो सवाल है तीसरा ये है कि एक वर्कर नौजवान वर्कर मारा गया उस सिलसिले में मैं समझता हूँ उसकी मजम्मत करता हूँ नहीं। अच्छा नहीं, तो 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 नहीं। नहीं। एक चीज अली इस पर एक चीज बता दें फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा जो लड़का मारा गया वकास वो तो उसके ऊपर कोई जुर्म शुरू या कोई ऐसी कहानी नहीं थी तो वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है की उसको गोली किसने मारी देखो ना हर जान जो जाती है सवाए जंगों के अंदर जहाँ सौ मर गए और दो सौ मर गए तो हर हर मौत कांग का मगर ये जो लड़का मारा गया इसमें रेंजर्स का कहना ये है कि हमारे गन से नहीं मारा गया अच्छा टेलीविजन एविडेंस भी मौजूद है बहुत कुछ मौजूद है इसकी जरूर तहकीकत होनी चाहिए है? अच्छा मैं ब्रेक, ब्रेक मैं ब्रेक ले लूँ ब्रेक ले लूं मैं ब्रेक से ब्रेक से बाद बार आता हूँ मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो फुटेज अवेलेबल है दो मुखलिफ़ टी वी चैनल्स की आज समा के पास भी फ़ुटेज है समा भी एक फुटेज दिखा रहा है उससे मैं कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकता लेकिन वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में हमें ले जाती है अगर एक फ़ुटेज को फॉलो करें तो लगता ये है कि शायद जो जब बात कह रही है उस तरफ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है दूसरी फुटेज देखें तो वो एक सिविलियन कपड़ों में सादा कोई आम टी शर्ट पहन हुए इस वाली शर्ट है वो लड़का नजर आता है उसके करीब वकास के खड़ा लेकिन मैं कुछ स्टैब्लिश नहीं कर सकता उस फुटेज पर जब तक उसको चेक न किया जब ब्रेक ले लूँ इसके बाद इस पर और बात करूँगा हमारे साथ ही दोबारा खुश आमजीद कहते हैं फैसल साहब की तरफ चलते हैं फैसल साहब ये लड़का जिसको गोली लगी इसके ऊपर आपने इल्ज़ाम पहले लगाया मेरे ख्याल में सिर्फ तहकीक़त के ऊपर ही पहले बात होनी चाहिए थी क्योंकि जो फुटेज कैमरे की आंख से नज़र आती हैं उससे कोई चीज़ भी इस्टबलिश करना बहुत मुश्किल है और डी जी रेंजर से मैंने ही कल बात की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे किसी ने किसी जवान के पास टी टी पिस्टल नहीं था और ये टी टी पिस्टल की गोली से इस लड़के की मौत वाकई हुई है तो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट पहले करना चाहिए फिर हमें एलिगेशन लगानी चाहिए इसके ऊपर आप क्या कहते हैं <coughs> नदीम भाई हैं। हैं। हम, फैसल सब। हम इतने बड़े विक्टिम हैं यहाँ पर जो है हम पे पहले इल्ज़ाम लगते हैं इन्वेस्टिगेशन कभी होती ही नहीं है मिसाल के तौर के ऊपर डी जी रेंजर्स साहब जो पिछले थे जो अब आई आई के चीफ हैं जनरल रिजवान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कराची बदमनी केस में कहा था कि नेटो के कंटेनर से कोई असलाह नहीं चुराया गया और इस तरह की कोई चीज़ नहीं उस वक्त भी अमरीकी सफारतखाना ने और नेटो ने कहा कि ऐसा कोई वाक़ा नहीं है फिर भी जनाब आ गई बात कि उन्नीस हज़ार कंटेनर से असलाह चुराया गया है बाबर गौरी ने किया है और एम क्यू एम के पास वह कल फिर रेंजर्स के तर्जुमान ने को इस तरह की बात की जबकि तरदीदें आ गई खुद डी जी रेंजर्स ने कहा ऐसा नहीं हुआ है लेकिन लोग यार लोग उस बात को कैरी करते रहे कल एक दफ़ा फिर ये बात आ गई आज फिर अमरीकी सफारत खाना कह रहा है ऐसा कुछ दो नहीं, नहीं दोबारा वजह की है लेकिन जो आज तो एफ एफ अब अब उसमें ये, ये इनगल वेपन की एफ आई आर दर्ज हुई है फैसल साहब थोड़ी इसकी वजहत कर जो वेपन रिकवर हुए थे उस पर इनिगल पोजिशन और फार्म की कोई एफ आई आर दर्ज हुई है? मेरे इल्म में नहीं है नदीम भाई मैं एक और चीज़ बहुत सराहत के साथ बयान करना चाहूंगा अगर आप मुझे मौका दीजिएगा कि देखें दो तरह के वेपन्स नाइन जीरो पे हैं एक लाइसेंस्ड जो कि सूबाई वजारत दाखिला देती है और दूसरे परमिटेड जो प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड दोनों को कवर करते हैं और वो वहाँ पर थे मतलब हम इतने भी अहमक नहीं हैं शायद शक्ल से लगते होंगे कि नाजायज़ असलह और वो भी नेटो और नासा पता नहीं कहाँ कहाँ का वो नाइन जीरो के ऊपर रखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद से लोगों को स्कूलों कॉलेजों में कहा जा रहा है हमें जितना तालिबान और दहशत गर्दों के थ्रेट्स उसकी वजह से वो जिसको नोगो एरिया बताया जा रहा है वो अजीब नोगो एरिया है वहाँ मस्जिद भी है इमाम बारगा भी है स्कूल भी हैं क्लिनिक्स भी हैं सैकड़ों घर हैं हज़ारों लोग रहते हैं खुदा खास्ता, तो खास्ता कोई गोली चली पहली बात दूसरी बात यह जो आपने वकाश शावाली की देखिये मैं दो मिनट की दूरी में बात लंबी हो जाएगी दोबारा आता हूँ आपकी तरफेंट बात मैं इसको फोकस करूंगा प्रोग्राम में इग्नोर नहीं करूंगा पहले ये नो गो एरिया वाली बात पे साहब से भी पूछ लूँ नो एरिया तो कल मैं वो कर्नल साहब की बात सुन रहा था वो कह रहे थे नो है। और नो तो, देखे, ये तो आप सुनने भाई... पे यकीन रखते हैं आपकी अपनी हमारी रही है ना हमारी ऑपरेशन को पार्टी भी है या नहीं नो गो एरियाज है और खत्म होने चाहिए आप तो

ये जी रेंजर ने किया ये जी बाजार दाखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आग... इंप्रेशन जब, जब है जो आप एपीसी थे आज उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जाते हैं यहाँ पे आपको आप अवॉइड कर सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे लिए ऑलरेडी टाइप्ड होते हैं ये कोई नहीं करने चौधरी साहब बहुत सारे फैसले रखे गए सिर्फ लगाना डेट डालनी है और कुछ नहीं है नो गो एरिया और किसी और के खिलाफ कभी नहीं आएगा कभी मेट्रो के खिलाफ आया आना चाहिए कभी 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 मेट्रो के खिलाफ स्टील कभी, कभी बहुत बुरे लगते जो जो दूसरी तरफ से लोगों ने <स्याल> कराची से आके पंजाब में इलेक्शन लड़ा कोई फैसला आया कभी जो लाहौर में एल डी ए की जमीनों के साथ जो कोई फैसला आया जो किसान के साथ हो रहा है पंजाब में कभी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया मॉडल टाउन कभी मॉडल टाउन पे फैसला आया तो मेरे ख्याल है सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां ही अहम थी और क्योंकि पीपल्स पार्टी दौर में थी दोबारा शाही साहब नो गो एरियाज हैं या नहीं है पहले इसके ऊपर मुझे जवाब दें देखो तो नो गो एरिया दो साइंस में एक तो एक वहाँ पे कोई नहीं जा सके कुछ एरिया इनके ऐसे है कि उन्होंने बागार बैर लगाए लड़के खड़े होते हैं और वो पूछते हैं कौन है कहाँ से आ रहा है जहर भाई जो थ्रेड है अगर आप उसको अच्छे साइंस से, से ले तो सिक्योर्टी के लिए कड़े हुए जहर उनको थ्रेड भी था नाइन जीरो को या एन एड को कड़ी था उससे दे गए तो वो अच्छी बात है लेकिन अगर आप उसको ले गए गाँव नो गो एरिया तो पूरा एरिया को चौदह सौ पंद्रह सौ घरों पर मुश्तमल है वो एक घर नहीं है उसके उसके उस ग्रह में अच्छे लोग भी रहते हैं बुरे भी रहते होंगे भी होगा मस्जिद भी हो मस्जिद भी, भी लेकिन लोगों जैसे हमारे सोरापुर में कुछ एरिया थे, वहाँ बंदा नहीं डरता था तंग थी, लोगों से थे, लियारी का एरिया था तो आप कहते हैं बिल्कुल कराची में ऐसे एक महीने का जो मसल है ये सिर्फ इसलिए ऑपरेशन से चालू हो जाएगा के मसले के लिए आपको कुछ और भी कदम उड़ाना है आपने पुलिस की मुराद जो वो सियासी पुलिस हो गई है इधारे सियासी हो गए तंजीमें बनी हुई है उसको सही करना और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की दो हजार ग्यारह में स्टेटमेंट आया था कि साफ करना और दूसरी बात यह मिलिट्री विंग को खत्म करना जो सारी सियासी पार्टियों पर इलेक्शन करना ये चार चीजें उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में थे जब तक उस पर अमल नहीं करोगे आप हम अपना भी वक्त आपको एक वकाश का भी है और एक नोग एरिया का भी है जो बड़े हैं उसके अंदर के कन्विक्टेड क्रिमिनल जिनका अल्ताफ हुआ साहब ने एक्सेप्ट भी किया वहां से वो बहुत बड़ा इशू है इसकी इसकी तहकीकत भी होनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई उठाएगा ये नहीं हो सकता कि आदमी मेरे घर में घुस गया और मुझे पता ही नहीं था और इतने दिनों से मेरे घर में अच्छा जी एक तो वो है दूसरा ये के वेपन्स के हवाले से जो वहां से बरामद हुए रेंजर्स की पिक्चर आ गई है मगर इसके अंदर जो फैसल सजारी साहब कह रहे हैं उसको भी देखना चाहिए उन्होंने कहा सब मशीन गन एल इस टाइप के वेपन है जो अगर लाइसेंस है तो इनको बता देना चाहिए कि जी ये इतनी एफ इतनी लाइट मशीन गन ये लाइसेंस थी और इनकी इजाजत थी अगर नहीं थी तो उसकी जिम्मेदारी भी जाएगी तीसरी बात यह कि देखो एक तो ये एक्शन हुआ और ये एक कन्विक्टेड क्रिमिनल या चंद कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को बरामद करने के लिए हुआ और वहां से निकले भी अच्छा ये अपनी जगह बड़ा अहम है वेपन अपनी जगह अहम है और तीसरी बात फिर इससे हटकर जब सारी चीजों को आप मिक्स कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत सारी चीजें डायल्यूट करते हैं नो गो एरियाज तो बहुत सारे हैं ना नो गो एरियाज की गुफ्तु इस वजह से भी होती है कि यार अगर स्टेट तो no मुखलिफ सड़कों पर स्टेट तो वाली कैफियत कोई नो गो एरिया देता है तो उसको देख लेना चाहिए वरना ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पर मूवमेंट लोगों का है तो लिहाजा नो गो एरिया मेरे लिए इतना अहम नहीं है जितना बाकी दो चीजें जिनका जिक्र किया तीसरी बात जो है वास की मैं समझता हूँ वो अहम इस माना कर उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए मैं इस बात को अहमियत देता हूँ कि रेंजर्स ने एक्शन किया और इतना बड़ा एक्शन और इतने सारे बावजूद नहीं हुई तो दैट इज क्रेडिट टू रेंजर्स यहाँ आपको बैठा करूंगा हुआ करूंगा फिर वापस नहीं आया मैं इजाजत दूंगा मैं सिर्फ ये कह दूँ की वकास एक लड़का जो अनआर्म था उसकी डेथ होनी नहीं, नहीं चाहिए थी उस सिलसिले में जरूर तहकीकत होनी चाहिए और पी पी ओ जिसके अंदर इन्होंने दस्तखत किए कि इन्होंने सपोर्ट किया हमने एक्सटेंज किया था पी पी ओ के अंदर वो सिस्टम मौजूद है कि इसको किस तरह से देखा जाए और मैं ये कहकर आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मैं किसी महफिल में बैठा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहु डॉक्टर आरफ अलवी साहब फैसल साहब अब तीनों नुकात के ऊपर आपसे जवाब आप चाहता हूँ वो फुटेज भी दिखाईगा जिसमें आप जूम इन करके वो दिखाते हैं उस शख्स को वो साइड पे दिखाइए फैसल साहब अब आपसे आप आप जवाब आप चाहता हूँ वकास को गोली लगने का वा हाई कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी क्या वो काफी होगी कबूल है वाफी होगीबिलशनल कोर्ट से करवा लें किसी भी हमें काबिल कबूल है नदीम भाई लेकिन ये देखिए कितनी अजीब बात है आरिफ अलवी साहब चले गए वो वहाँ गोली ना चलने का क्रेडिट भी रेंजर्स को दे रहे हैं भाई असल हमारे पास जो हमने यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए उस असलह की डेफिनेशन क्या है आया वो किसी दहशत गर्दी के लिए खाद खुदा न खास्ता किसी फ़ोर्स पर अटैक के लिए था या जो सुबह शाम दहशत गर्द और तालिबान पकड़े जाते हैं और हमें बताया जाता है कि हम के हम के इतने लोगों का नाम उनकी हिट लिस्ट में और नाइन जीरो पर अटैक ये इंटेलिजेंस वाले देते हैं कि वो है उसके लिए था पहली बात तो हमने नहीं चलाई गोली और आज तक नहीं चलाई और ना आइंदा चलानी थी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है बैरियर थे बैरियर पर हटा दिए अक्सर बैरियर हमने हटा दिए हैं माशाल्लाह से वहाँ पुलिस के कोई दस लोग पूरे उस इक्कीस एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं नाइन जीरो के उस पूरे इलाके के वहाँ पर दस पुलिस वाले तैयन थे वो कह रहे हैं हाँ हटा दिए वी आर वेरी वेलनरेबल अल्लाह ना करे खाकम बदान कोई वहाँ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए दहशत गर्दों को वहाँ खुली एक्सेस मिल सकती है वकास वाली बात के ऊपर देखिए मैं एक छोटी सी दलील सामने रखता हूँ मैं इस बहस में नहीं जा रहा नदीम भाई जिस वक्त फायरिंग हुई है मैं और हमारे बहुत सारे एम पी और एम एन एस खुर्शीद मेमोरियल हॉल पर थे तीन से चार मिनट की वॉक है एम पी हॉस्टल से जहाँ पर ये फायर हुए हैं जैसे ही हमें पता चला हम भागे हैं वहां पर मैं नाइन जीरो के सामने था के एम क्यू एम की रबता कमेटी के एक दो जिम्मेदारान ने मुझे कहा कि वकास को गोली लग गई वकास को इसलिए हम सब जानते हैं कि वो हमारे ए पी एम से स्टूडेंट लीडर था वॉज एन इज एन एन ही अमेजिंग डिबेटर एंड कंपेयर और कंडक्ट करता था हमारी गैदरिंग्स हमारे शोब नशरोशात का मेरे साथ रुकन था हमारी टीम में जब मैं वहाँ पहुंचा उसकी बॉडी वहाँ से उठाकर लेगी गई थी आपको लगता है कि सैकड़ों लोग खीन मर्द सब बुजुर्ग वहाँ खड़े हैं वो सब विद इन स्पैन ऑफ टू मिनट्स सबके सब झूठ सब बोलने लगे मीडिया के कैमरे थे अच्छा चलो झूठ बोल रहे होंगे सब झूठ बोल रहे हैं एमकेएम वाले ना मुजरिम होंगे वकार दहशतगर्द था चले एक सवाल है मेरा रेंजर्स का इतना हैवी कंटेंजेंट आया कर्नल ताहिर साहब ने खुद फरमाया कोई मजामत नहीं सब जानते हैं एक भी गोली नहीं चली ना एम ने तो गोली चलाई नहीं रही थी वहां न सारे के सारे जब्त हो गया था असला क्या चंभे की बात है कि रेंजर्स की गाड़ियां मौजूद हैं सारी फुटेज किसी भी चैनल की उठाकर देख लीजिए वहां रेंजर्स के जवान मौजूद हैं बास चैनल ये कह रहे हैं कि वो किसी और की गोली से हलाक हुआ तो भाई मेरा सवाल ये है रेंजर्स के अफसरान और एहलकारों की मौजूदगी में एक शख्स गोली चला के एक आदमी को वहां मार देता है क्या अजीब बात है कि फिर रेंजर्स वहां से चली जाती है उस कातिल को नहीं गिरफ्तार किया गया वहां से ये मैं ब्रेक लूँगा इस नुकते के ऊपर लेकिन ये सवाल मैं दोबारा कि वहाँ पे अगर रेंजर्स की मौजूदगी में गोली लगी थी तो वो शख्स कोई भी था उस शख्स की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए पकड़ा जाना चाहिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी सवाल का जवाब लेंगे हमारे साथ ही म बैक फैसल सब्जवारी ने अभी हमारे प्रोग्राम में बताया है कि नाइन ज़ीरो में जितने बैरियर्स हटा दिए गए और वो कहते हैं कि एरिया उनका वलनरेबल है शाही सैद साहब और अफजल चंद साहब दोनों से पूछूंगा ये बैरियर्स बहुत सारी जगहों पे हैं जहाँ मॉडल टाउन में हटाने गए थे वो सानिया पेश आया था उसी के इर्द गिर्द भी बहुत सारे चाहे साहब पहले आप ही बता दें आप तो उस इलाके की जगह जगह से वाकफर में बहुत सारी जगह दायर कादरी के बैरियर हटाने गए थे नस्तासी बंदों को में डिफेंस में बहुत सारी जगहों पे अंदर लगे हुए हैं जहाँ वी आई पी रहते हैं बाल टाउन में है बैरियर टाउन में मियाँ साहब शिबाशी साहब की जहाँ पे रहें तो फिर हटा दें सर हटना चाहिए एज ए मेट्रो प्रिंसिपल डिसाइड कर लें ना नाइन जीरो को जहां आम आदमी को रुकावट पैदा होना जहां आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर आजकल कल सी डी आई को रोज बिठाया होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक और सूरत है मैं कहता हूँ वैसे भी पोलिटिकल लीडर्स को भी जहाँ रुकावट पैदा हो यहाँ तो वहां से वो खुद शिफ्ट हो जाए वहाँ तो फिर सपोर्ट करें इस प्रोसेस को उसको मॉडल टॉन से भी उठवाएं बाकी जब से भी जहां भी पूरे मुल्क में जहां भी हैं चाहिए मैं तो वाजिया कह रहा हूं कहता हूँ पूरे मुल्क में जहाँ भी है पंजाब तो बड़ा सूबा है ना पंजाब को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए जी मैं आता हूँ आपकी तरफ शाही सैद साहब से गुजर हूँ शाही साहिब आप क्या कहते हैं हालात तो ऐसे कि बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए मस्जिद लगाने चाहिए क्योंकि जो सिक्योरिटी है आपके जी एच को सेफ नहीं है आपका शायर स्पेशल बेस सेफ नहीं है आपकी एयरपोर्ट सेफ नहीं है और यहाँ तो आप मतलब नाइन जीरो को या बिलावल हाउस को या टाउन मिलिट्री बेसिस से ज़्यादा कहीं सिक्योरिटी नहीं होती तो, वहाँ पे भी अटैक हो गई बैरियर्स वा, तो फिर काफ़ी नहीं थे सुनो लेकिन यहाँ पे तो रेंजर्स के जो है उन्होंने लगाए हुए है वह, वहाँ भी बार्डर लगा हुआ अमरीकन ने, लगा है वह, कुछ ने का भी लगाए सबाए हुए कभी हटेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई ना आज के रोज सी डी एटाई अब यहाँ पे अभी तक हमारे पास नहीं लगे हुए पुलिस खड़ी हुई है आपकी पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना उस पर भी उठाना चाहिए ताकि मैं आसानी से गाड़ी लेके सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले इफ्तार चौधरी साहब की जो सिक्योरिटी है ये सबक चीफ जस्टिस सारों को इस मिली भगवान दास को भी ऐसी मिली आपने तले

लेकिन पीटीआई ने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहा अब आज जो रेंजर्स की प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें इस की डिटेल है पहली बात दूसरी बात फुटेज जो है थी इसलह की किसी राइफ़ल पे लिखा है ख्वाजा इजहार का नाम किसी पर लिखा है एम पी ए जफ़र का नाम वो हमारे नामों के लाइसेंसेज और परमिट्स हैं जो उनके साथ उन राइफ़ल्स के साथ मौजूद थे पहली बात और रेंजेस की प्रेस रिलीज क्या कहती है पाँच जी थ्री तेईस एस एम जी एक्शन एंड एट्सेट्रा एट्ट्रा इनमें से कौन सा ऐसा वेपन है क्या जी थ्री और एस एम जी पर्मिट पर नहीं मिलती शाही सही साहब बैठे नदी अफजल चंद साहब बैठे हैं क्या नहीं बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से खासकर पिछले गवर्नमेंट में हम सब ने पर्मिट के ऊपर मुख्तलिफ़ ली हैं जो कि प्रोहिबिटेड बोर कहलाता है खुदा का वास्ता मकसद हकीकत को हकीकत रखें और एक तासुर इस तरह से बना देना कि उस पर सियासी फ़ायदा उठा लें ये हमारे हम सब सियासी दोस्तों को सोचना चाहिए खासकर कर पी टी आई को कि वो सिंपली जो बन जाते हैं ना लॉयल देन द दे रॉयल खुदा ऐसा काम ना करें फैसल साहब लेकिन उसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप एक क्लियर स्टेटमेंट दें वो जो लोग कन्विक्टड वहाँ से पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं तो आप अपने आप को उससे डिस्टेंस करें बोलें उनका एम के एम से कोई ताल्लुक नहीं है उनको सजा दी जाए और वो कहाँ से पकड़े गए हैं वो भी क्लैरिटी से मेरे ख्याल में पार्टी खुद पोजीशन ले ले कि ये वहाँ थे इस घर में थे हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं नाइन जीरो से अलताफ़ भाई की घर से अलताफ़ भाई की बहन के घर से एम क्यू एम के जितने दफ़ातर वहाँ हैं खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल्स से इन में से कोई भी कन्विक्ट क्रिमिनल जिसको बताया जा रहा है नहीं पकड़ा गया हमारे तो सबक एम पी है यूसुफ़ मुनीर शेख को पकड़ा गया या आमिर ख़ान साहब जिनको कहा था कि बातचीत के लिए लेके जा रहे हैं उनको हथकड़ियाँ और आँखों पर पट्टी बांध कर पेश किया गया इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया लेकिन अगर हमारे दफातर में नाइन जीरो में भी कोई कन्विटेड क्रिमिनल मौजूद है एम क्यू एम कहती है कि जनाब आप उसको पकड़ लीजिएगा ना पहले छापे पर कोई मज़ात की हमारे घरों पर लातादात छापे हमारे लोगों के मारे गए हम बहुत क्लियर हैं वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस कतन अदम बर्दाश्त की पॉलिसी है मुजरिम और जराइम के हवाले से हमारी वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दिस बिल्कुल ठीक फैसल सब जबारी साहब नदीम अफजल चंद साहब और शाही सैयद साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में साथ रहे आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए खुदाफ़िर